हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्शन व्यू सॉफ्टवेयर के बारे में। गाइस, ये सॉफ्टवेयर कैसा है ना, इनकेस हमें कभी भी हम लोग रेंडर करते उसका हमें रीनेम करना है, कुछ नाम चेंज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि पेंट वर्जन 1 या फिर आप कुछ भी चाहते हो नेम चेंज करना, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्शन व्यू के अंदर गाइस आप यहाँ पे अपने फोटो को भी कॉन्ट्रेस्ट, ब्राइटनेस ये सब चेंज कर सकते हो। तो गाइस पेंट डिपार्टमेंट में ज़्यादातर हम क्या करते हैं गाइस, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल में लिखोगे तो गाइस यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगा, आप जो डाउनलोड कर लो। तो गाइस पेंट डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, सपोज गाइस आपने कोई शॉर्ट किया, उसका आपने नेमिंग रॉन्ग किया है, तो नेमिंग रॉन्ग के लिए अब दोबारा फिर से नेम चेंज करके रेंडर मारना पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर आपको 10 मिनट लगता है रेंडर मारने में, उसका नेमिंग चेंज करते हो तो फिर 10 मिनट आपका वेस्ट होगा। तो बेटर है गाइस ये सॉफ्टवेयर की मदद से हम नाम चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग नेम कैसे चेंज करते हैं जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और गाइस चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन। गाइस मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया है, मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने रखा है डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे गाइस जो नेमिंग है मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो गाइस ये सीक्वेंस शॉट है, मतलब मैं अगर इसका एक भी नेम गलत चेंज करता हूँ तो ये शॉट प्ले नहीं होगा आपका न्यू पे या आपका नॉर्मल आरबी प्लेयर पे भी ये प्ले नहीं होगा। तो आपको ध्यान से नेमिंग चेंज करना पड़ता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये शॉट आप देख सकते हो ये स्मूथली प्ले हो रहा है, अब मुझे इसके नेम चेंज करने हैं। तो मैं चाहता हूँ गाइस इसका नेम डीनस हटा के कुछ पेंट वर्जन डालना चाहता हूँ। तो गाइस इसका पाथ जो है इसको कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेना, उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको एक्शन भी जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लोगे डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पे गाइस ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देना और इंटर करना। एक बार इंटर करने के बाद गाइस इसको कंट्रोल ए की मदद से मतलब ऑल सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, किसी भी इमेज पे आके राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे करना है बैच रीनेम। उसके बाद गाइस एक छोटा सा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे गाइस सबसे पहले जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो गाइस जो भी नीचे प्लेट आएगा यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, जिससे आपका नेमिंग और कुछ भी फॉर्मेट में चेंजिंग ना हो। तो आपको यहाँ पे एक बार डबल क्लिक करना है जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन देख रहे हो नेम टेम्पलेट, ये स्विच ऑफ रहेगा, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ओके ऑन कर लेना। अगर गाइस आपको कुछ एक्सटेंशन चेंज करना है, जैसे आप जेपीजी या कुछ चाहते हो चेंज करना, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ओके ईएक्सआर डीपीएक्स अपने हिसाब से आप कर सकते हो चेंज। ओके तो गाइस कैसे है? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नेम चेंज करूँ मैं, तो यहाँ डीनोस की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ पेंट वर्जन 1 ऐसे मेंशन कर दिया मैंने, और ये जो लास्ट का है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके नेम टाइप करने के बाद आप देख सकते हो गाइस यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टेड। गाइस इनकेस अगर आपको इसका स्टार्ट रेंज भी चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्ट रेंज 007 से, आप चाहते हो कि इसका स्टार्ट रेंज 1001 से स्टार्ट हो, तो गाइस यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके 1001 कर सकते हो, और इसको आप बस ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली गाइस आपका रीनेम चेंज हो जाएगा 1001 से। अगर आपको 0 हटाना है गाइस तो आपको 1 टाइम जो हैच है वो रिमूव करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 0 है आपको हटा जाते हो, फिर से आप कॉपी करो एक बार, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दो एक बार अपडेट रेंडर, उसके बाद यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करो कंट्रोल ए से बैच रीनेम, आपको 0 रिमूव करना है तो यहाँ पे बस एक हैच को आप रिमूव कर दो और ओके जैसे ही करोगे गाइस तो आपका जो आप देखोगे स्क्रीन पे आपका 0 हट गया, आपका नेमिंग प्रॉपर हो गया है, और ये गाइस आपका न्यूक पे भी प्ले होगा और नॉर्मल भी प्ले होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आरबी प्ले पे, मैं ओपन करता हूँ उसको एक बार, आरबी प्ले पे स्मूथली प्ले हो रहा है, इसको मैं कॉपी करके न्यूक पे भी दिखाता हूँ प्ले करके आपको, तो वैसे ये न्यूक पे भी प्ले हो रहा है। तो वैसे ऐसे करके आप नेम चेंज कर सकते हो किसी भी शॉट का, आपको दोबारा रेंडर नहीं करना पड़ेगा। सो आज के इतना ही, सो थैंक यू गाइज़।